नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर। मौदा कुशाल बनाने के लिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ कराया गया 24 घंटे का। हमीरपुर जनपद के मौदा तहसील ग्राम रीवन में 24 घंटे श्री दुर्गा पाठ चालीसा कराया गया। समापन के बाद निकाली गई नशा मुक्त रैली, जिसमें काफी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इनका मुख्य उद्देश्य है कि देश को नशा मुक्त बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में शराब बंद की जाए, जिसके बाद महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो सके, कोई भी नशीला पदार्थ न बेचा जाए, नशा मास से मुक्त चरित वन जीवन जीने का संकल्प आयोजित भगवती माना कल्याण संगठन द्वारा कराया गया। और मवा शाखा की टीम प्रमुख बहन संगीता कुशवाहा ने अति महत्वपूर्ण चिंतक प्रदान किया, जिनमें अनिल सेंगर और अजय बाज भाई भी मौजूद रहे। की विचारधारा वह गांव-गांव में जाकर के देश स्तर में जाकर के वह माँ से जोड़ने के लिए अपने आप को अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए अवगत करा रहा है। इसलिए इस पंच ज्योति सप्तिस धाश्रम धाम जो भगवती मानव कल्याण संगठन जो धर्म की रक्षा के लिए पंच ज्योति सप्तिस धाश्रम धाम है, मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन, रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और गुरुवर ने ज्ञान कराया कि हर मानव के तीन बहुमूल्य कर्तव्य होते हैं। उन तीन कर्तव्यों का पालन करना हमारा आप सभी का हम पालन है कि हम करें उन अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु जो अपने लिए जीवन जीता है वह जीवन नहीं होता है। जो समाज के लिए जीवन जीता वही एक जीवन है, इसलिए समाज के लिए जीवन जिए। आज जो है गुरुवर ने ज्ञान कराया कि समाज में